आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज। जी हाँ, और हम सभी चाहते हैं कि हम सेहतमंद रहें, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे जिस्म का हर हिस्सा है वह बहुत अच्छे से काम करता रहे। वैसे तो हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं वो अपनी एक अहमियत रखते हैं, लेकिन जिस ऑर्गन के बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो है किडनी, यानी कि हमारा गुर्दा। क्योंकि आज है वर्ल्ड किडनी डे, जो कि हर साल सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है, और इस साल इसकी थीम है हेल्दी किडनी हेल्थ फॉर ऑल, प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड एंड सपोर्टिंग द वनरेबल। यानी कि किडनी के बारे में जल्द से जल्द पता लगाना, उसकी बीमारी के बारे में, और इनसे जूझ रहे मरीजों की अच्छे से देखभाल करना। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हमें ये पता लगे कि हमारी एक जो सेहतमंद किडनी है उसकी अहमियत क्या है, किस तरह से हम सही वक्त पर अपनी किडनी की सही जाँच करवा सकते हैं, और साथ ही किडनी डोनेशन के बारे में कितनी बेदारी पैदा कर सकते हैं, और एक अच्छी और सही तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाकर किडनी से जो होने वाली बीमारियां हैं उसे कितनी हद तक हम रोक सकते हैं। तो नाजरीन, अगर आपके भी कोई सवाल है किडनी से मुतालिक रखते हुए, तो आज आप हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वक्त है ये रिपोर्ट का। नाजरीन, यूं तो जिस्म के हर एक उज्व की अपनी अहमियत और इफादियत है, और जिस्म को सेहतमंद रखने में इनमें से हर एक का रोल अहम है। इन्हीं अहम आज़ा में हमारे गुर्दे भी शामिल हैं, जिन्हें आज़ाए रईसा में शुमार किया जाता है, और जिस्म को सेहतमंद रखने में ये किलीदी किरदार अदा करते हैं। लोबिये की शक्ल के ये आज़ा पसलियों के नीचे रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पाए जाते हैं। इनका काम जिस्म से फासिद मादों को बाहर निकालना है। हमारे गुर्दे खून में पैदा होने वाले गैर जरूरी और फजूल मादों और ज्यादा पानी को अलग करके मसाने में भेज देते हैं, जहां से ये जहरीला मादा पेशाब के जरिए खारिज हो जाता है। इंसानी जिस्म में गुर्दे खून की सफाई और केमिकल्स में तवाजुन बरकरार रखने के साथ साथ और भी कई काम अंजाम देते हैं। हमारे गुर्दों से रोजाना 50 गैलन खून गुजरकर फिल्टर होता है। गुर्दों का असल काम फिल्टर की तरह सफाई का ही है। जैसे रोजाना घर की सफाई की जाती है, और अगर कुछ दिन सफाई ना हो तो कूड़ा घर के अंदर ही रह जाता है, इसी तरह जिस्म को भी अपने फालतू बेकार मादे निकालने के लिए हर वक्त सफाई की जरूरत होती है, जो गुर्दे ही करते हैं। इसके अलावा हमारे गुर्दे रेनिन हार्मोन बनाते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। गुर्दे से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन भी बनता है, जो हड्डियों के गुदे को मुतहरिक करके रेड ब्लड सेल्स बनाता है। हमारे गुर्दे कैल्सिट्रियोल हार्मोन भी बनाते हैं, जो विटामिन डी को फाल शक्ल देता है, ताकि जिस्म में कैल्शियम को रोक सके। गुर्दों में खराबी के बाद ये तीनों हार्मोन भी बनना कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, खून की कमी हो जाती है, विटामिन डी और कैल्शियम कम हो जाते हैं। सेहतमंद शख्स के गुर्दे जिस्म में 100% काम करते हैं। अगर किसी वजह से ये 50% काम करते हैं तो सेहत पर कोई खातर खा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर गुर्दे 40% से कम काम करें तो गुर्दों की खराबी की अलामत जाहिर होने लगती हैं। गुर्दों को खराब करने वाले मर्ज में शुगर सरफहरिस्त है, इसके अलावा ज्यादा ब्लड प्रेशर भी नुकसानदेह है। गुर्दों को सेहतमंद रखने के लिए मुनासिब मकदार में पानी पीना, अच्छी गजा का इस्तेमाल, सिगरेट नोशी और शराब नोशी से परहेज, पेन किलर्स का कम से कम इस्तेमाल और हल्की वर्जिश लाजमी है। नाजरीन, हमारे जिस्म के इतने अहम आज़ा यानी गुर्दों को सेहतमंद रखने के लिए हमें वक्फे वक्फे पर टेस्ट भी कराना चाहिए, ताकि हमें उनकी कारकर्दगी का पता चल सके। इसके लिए पेशाब का ACR टेस्ट और खून का GFR टेस्ट किया जा सकता है। आज के डिजिटल दौर में हम ज्यादातर बीमारियों से वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी इस सिलसिले में जितनी बेदारी पैदा की जाए वो कम है, इसलिए हर बरस मार्च के महीने की दूसरी जुमेरात को गुर्दों का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद हमारे जिस्म के अहम तरीन आज़ा की सेहत के बारे में आगही पैदा करना है। याद रखें कि हम किसी भी बीमारी के बारे में
जितने बेदार रहेंगे उतने ही सेहतमंद रहेंगे। आज वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी किडनी का ख्याल रखें, क्योंकि किडनी ठीक तो हम ठीक। और इन्हीं सभी मौजूदात पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं एक्सपर्ट का एक खास पैनल। तो आइए पहले आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। जी हाँ, आइए आप एक्सपर्ट से आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं डॉक्टर संदीप महाजन, आप प्रोफेसर हैं एम्स के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। आपका बहुत बहुत वेलकम है डॉक्टर साहब। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अरुण कुमार एस, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एम्स के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। आपका भी वेलकम है डॉक्टर साहब। हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रमाकांत यादव, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में। आपका भी खैर मकदम है डॉक्टर साहब। मेरा पहला सवाल डॉक्टर संदीप महाजन सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, किडनी डिजीज़ या किडनी की बीमारी होती क्या है और ये कितने प्रकार की किडनी डिजीज़ होती हैं? देखिए, किडनी में काफ़ी किस्म की बीमारियां आ सकती हैं। जहां तक कि हम किडनी फेलियर की बात करें, जिसके मेरे ख्याल से अभी रिपोर्ट में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दो मेन तरह के किडनी डिजीज़ किडनी फेलियर रहते हैं। एक तो है एक्यूट किडनी इंजरी, यानी कि किडनी का काम किसी वजह से अचानक बंद हो जाना या कम हो जाना। ये बहुत सारी बीमारियों के चलते हो सकता है, शरीर में पानी की कमी, कुछ दवाइयों की वजह से, किसी इन्फेक्शन के चलते। इसमें जो किडनी का काम है अचानक कम हुआ है, और अगर हम उस बीमारी को रोक पाए, उस बीमारी को ठीक कर पाए, तो किडनी का काम वापस से ठीक हो जाएगा और किडनी वापस से काम करने लग जाएंगी। दूसरी जो बीमारी है वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज, सीकेडी भी कहते हैं डॉक्टर, सीकेडी, जिसका मतलब कि बीमारी लंबे समय से कोई बीमारी किडनीज को खराब कर रही है, किडनीज को अफेक्ट कर रही है, और समय के साथ साथ किडनी का काम कम होता जाता है। और इस बीमारी में अगर हम बीमारी हटा भी दें जिसने किडनी खराब की है, एक बार ये पहिया चल गया किडनी खराब होने का, तो ये आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, तो ये ना वापसी हो सकती है ना रोकी जा सकती है, बस इसकी गति धीरे कर सकते हैं, और जिस तेजी से इस बीमारी ने आगे बढ़ना है उसको रोकने के साथ साथ इस बीमारी की वजह से जो तमाम दिक्कतें आनी है शरीर में उसको ठीक रख सकते हैं। अच्छा, तो मेजर हमें जानने की जरूरत यही है कि किडनी अचानक काम कम कर सकते हैं, जिसे हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, जो समय रहते पकड़ी जाए तो पूरी तरह से वापसी हो सकती है और आदमी ठीक रह सकता है जी। और दूसरी क्रॉनिक किडनी डिजीज है, जो बीमारी किडनीज में जैसे हमने बताया 50% से ज्यादा अगर डैमेज हो गई तो फिर ये बीमारी के लक्षण आने लग जाते हैं धीरे धीरे। तो इस स्थिति में हमें किडनी को जिस गति से बीमारी ने आगे बढ़ना उसको धीरे करना है, और मरीज को ठीक रखना है, सेहतमंद रखना है तमाम दवाइयों के साथ और डाइटरी थेरेपी। बिल्कुल डॉक्टर अरुण, आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे कि आज वर्ल्ड किडनी डे है, तो अवेयरनेस कितनी इम्पोर्टेंट है लोगों में, और ख़ास करके उन लोगों में जैसे कि अभी सर ने भी बताया कि क्रॉनिक डिसीजेज भी हैं, तो जो पहले से ही डायबिटीज़ या बीपी से ऑलरेडी जूझ रहे हैं उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है इस पर अवेयरनेस होना? जो कारण है वर्ल्ड किडनी डे मनाने का यही है कि अवेयरनेस बढ़ाना है जी। एक है कि अभी जो डेटा आता है उसमें बताया गया है कि जिसको किडनी बीमारी है उसमें 50% के ऊपर वाला लोगों को पता भी नहीं है कि उनको किडनी का बीमारी है। कुछ इमरजेंसी में आने के बाद या आखिरी स्थिति में जहां डायलिसिस का ज़रूरत है उसी समय में पकड़ा जाता है। अच्छा। इसलिए तो हमें पहले से उनका अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा, और ये सबको टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जिसको डायबिटिस और हाइपरटेंशन है उनको और ज़रूरत है, क्योंकि आप देखेंगे तो अभी के टाइम्स में कि 30% के ऊपर किडनी का बीमारी के कारण डायबिटिस है और 15-20% कारण हाइपरटेंशन होता है। तो इन पेशेंट्सों को कुछ सालों के बाद बीमारी डायबिटिस हाइपरटेंशन होने के बाद किडनी का टेस्ट रेगुलरली करना होता है, और जब भी थोड़ा भी बीमारी होता है, इधर क्रिएटिन जो हम टेस्ट करते हैं वो बढ़ गया या प्रोटीन लीक थोड़ा होगा, तो नेफ्रोलॉजिस्ट या किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाने का जरूरत पड़ेगा। तो आप यही कह रहे हैं कि अगर दो डिजीजेज हैं, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, तो इन लोगों में आगे चल के संभावना काफी बढ़ जाती है। इन लोगों को ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, और अगर आप पेशेंट हैं ऑलरेडी और कुछ सालों से अगर आप डायबिटिक और बीपी के पेशेंट हैं, तो आप अपना किडनी जो टेस्ट है वो रूटीन बेसिस पर आप करवाते हैं। हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं जी। हाँ, हाई रिस्क ग्रुप। बिल्कुल डॉक्टर रमाकांत यादव सर, आप आयुर्वेदा एक्सपर्ट हैं बेसिकली, आयुर्वेद का क्या मत है इसको लेकर, किडनी की बीमारी को लेकर? देखिए, जैसे हमारे एलोपैथिक साइंस में किडनी की बीमारियों के बारे में आपका डिस्क्रिप्शन मिलता है, लगभग कुछ उसी तरह से हमारे आयुर्वेद में भी किडनी की जो बीमारियां हैं उनका वर्णन मिलता है। और विशेष रूप से अगर आप देखेंगे तो दो तरह की बीमारियां उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब हैं।
एक तो बीमारियां ऐसी हैं जहां पर मिक्चुरेशन पेनफुल होता है, मतलब जो पेशाब है वो दर्द के साथ आएगा, और एक तरह की बीमारियां ऐसी हैं जिनमें जहां की पेशाब बनना बहुत कम हो जाता है। तो जो पेशाब दर्द के साथ आता है उसको मूत्रकृच्छ कहा है, मतलब डिस्यूरिया, और जहां पर पेशाब बनना बंद हो जाता है उसको मूत्राघात कहा है। आप सोचिए इतना साइंटिफिक शब्द उन्होंने यूज़ किया है। तो अगर आप देखें कि जितने भी CKD के केसेज हैं उनमें एक सप्रेशन ऑफ यूरिन एक बहुत एक मेजर कंप्लेंट रहती है, सभी में तो नहीं मिलती लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये कंप्लेंट अक्सर मिलती है। तो आयुर्वेद में कुछ इस तरीके से साइंटिफिक तरीके से उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, और इसके फर्दर टाइप्स के बारे में भी डिस्क्राइब किया हुआ है। और उन टाइप्स को हम जो आज डिफरेंट ग्रेड्स हैं किडनी फेल्योर की उनसे भी हम काफ़ी हद तक कंपेयर कर पाते हैं। डॉक्टर महाजन, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो क्या जो सिम्टम्स होते हैं किडनी के कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, क्या वो इजीली हमें डिटेक्ट हो जाते हैं या कुछ वक्त के बाद हमें पता लगता है? देखिए, किडनी डिजीज़ के अपने आप में बहुत लेट सिम्टम्स आते हैं। जैसे हम कहते हैं कि प्रत्यारोपण दे सकते हैं, कोई ट्रांसप्लांट के लिए एक गिट नहीं दे सकता और बिल्कुल ठीक रहेगा, तो इसका आप यही मतलब समझें कि अगर 50% किडनी डैमेज हो गई तो उसका भी आदमी के नहीं पता सेहत पे कोई फर्क मेजर नहीं आता। तो इसलिए अर्ली डिजीजेस का कोई सिम्टम्स नहीं है। जिन चीज़ों को लेके आपको जागरूक हो जाना चाहिए, जैसे रात को बार बार उठ के पेशाब आना, पेशाब की धार पूरी ना बन पाना, पेशाब का कम होना, आंखों के नीचे धब्बे पड़ना, आंखों के नीचे सूजन आना, पाँव में सूजन आना, ब्लड प्रेशर जो पहले ठीक चल रहा था अचानक बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, जहाँ पहले आप एक दवाई से ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर पाते थे, कुछ ही दिनों में आपको 2 या 3 दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल की। अगली स्टेजेस में जाके जब किडनी की बीमारी काफ़ी एडवांस हो जाती है, तब जी मचलाना, भूख ना लगना, शरीर में खुजलाहट रहना, तो ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं। तो अगर हम ये समझे तो कितना वक्त लगता है इस सिम्टम्स को समझने में कि ये सिम्टम्स जब अब किडनी में प्रॉब्लम आ गई तो कितना ड्यूरेशन कितना लगता है? किडनी की किस रफ्तार से किडनी का काम कम होता है उसके ऊपर काफ़ी हद तक सिम्टम्स रहते हैं। बॉडी यूज टू होती रहती है, बॉडी अपने आप को अडाप्ट करती रहती है। अच्छा। तो जैसे जो मात्रा पदार्थों की टॉक्सिन्स की से 10 रहनी चाहिए, तो अगर वो धीरे धीरे बढ़ता है 10 से 12, 12 से 15, 15 से 20, तो बॉडी इतनी देर में अडाप्ट करती रहेगी तो आपको 20 में भी कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। लेकिन यही अगर अचानक 10 से 20 हो जाएगा तब शायद आपको जल्दी सिम्टम्स आ जाए। तो बीमारी किस गति से बढ़ रही है उससे सिम्टम्स का काफी, और ये भी है कि बॉडी आपकी किस तरह से उसे अडॉप्ट कर रही है, वो भी रिएक्ट कर रही है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड वेरी भी करता है। तो हम चाहते ही नहीं कि हम किडनी डिजीज सिम्टम्स के ऊपर जाने, हम चाहते हैं कि जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, हर इंसान, हर आदमी अपने किडनीज की हेल्थ को लेकर जागरूक हो। और एक बात बहुत सिंपल से टेस्ट है, पेशाब की जांच, ब्लड की जांच, अल्ट्रासाउंड, ये 3 ऐसी जांचें हैं जो मोटा मोटा आपकी किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में, किडनी के फंक्शन के बारे में और किडनी के हेल्थ के बारे में आपको बता दें। यहीं पे एक छोटा सा और चीज बस जानना चाहूंगी कि KFT जैसे हम कहते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट, तो क्या उसके अंदर ये सभी टेस्ट हम माने कि वो एक पूरा टेस्ट है किडनी के बारे में जानने का? KFT ज्यादातर एक ब्लड के टेस्ट को कहा जाता है जिसमें कुछ पदार्थ जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम पोटेशियम को नापा जाता है। इस टेस्ट के अलावा जैसे मैंने बताया पेशाब में या यूरिन में प्रोटीन या एल्बुमिन का जाना, ये भी अपने आप में किडनी डैमेज का एक बहुत अर्ली संकेत है। हो सकता है आपका KFT बिल्कुल ठीक हो लेकिन यूरिन में आप प्रोटीन लीक कर रहे हों। ऐसे ही अल्ट्रासाउंड, कई लोग, कुछ लोग एक ही किडनी के साथ पैदा होते हैं, कुछ लोग की एक किडनी किसी बीमारी की वजह से खराब हो चुकी होती है जो उनको पता नहीं होती और सारा लोड दूसरी किडनी पे आया होता है, तो उसमें यूरिन टेस्ट भी ठीक आएगा, ब्लड टेस्ट भी ठीक आएगा, लेकिन आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी भगवान की दी हुई 2 किडनी में से एक ही किडनी है या एक ही किडनी काम कर रही है। तो अगर हम इन 3 टेस्टों को मिला लें और एक बार अपना टेस्ट करवा लें तो हम काफ़ी हद तक अपनी किडनी हेल्थ को लेकर जागरूक हो सकते हैं। जिन मरीजों को हाई रिस्क बिहेव प्रॉब्लम्स हैं जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, परिवार में किसी को किडनी डिजीज होना, उम्र 60 से ऊपर होना या
पथरी की परेशानी रहना, उनको शायद ये टेस्ट हर सालाना या 6 महीने पे कराने चाहिए। ओके, तो ये ध्यान रहे, जैसे कि डॉक्टर महाजन ने अभी बताया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि KFT टेस्ट जो है वो खाली पूरा एक टेस्ट नहीं है, उसके लिए आपको यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कराना बेहद जरूरी है। भी जरूरी है क्योंकि साइलेंट डिजीज है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी हमें बताया, तो अवेयरनेस, सतर्कता बेहद आवश्यक है, स्पेशली जो लोग हाई ग्रुप रिस्क में है उनको तो जरूर हर साल जो है ये टेस्ट करवाने चाहिए ताकि टाइम पे पकड़ सके और ट्रीटमेंट शुरू हो सके। और बहुत सस्ते और बहुत बहुत ही आसान टेस्ट है और हर जगह अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर अरुण आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जांचों के बारे में अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें तो आप उसी विषय पे हम आना चाहेंगे। कॉल भी हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल लेते हैं हमारे कार्यक्रम को देखते हुए। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता हमारी आवाज उन तक पहुंच नहीं रही है। हेलो, हाँ डॉक्टर अरुण, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि जांचों की बात की जाए, डॉक्टर महाजन ने हमें काफी कुछ तो बता दिया, इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? कोई ऐसी लेटेस्ट जांचें आई हैं जिससे वक्त पे, क्योंकि ये साइलेंट डिजीज है, पता लगता है नहीं, तो ऐसी कौन सी जाँचें हैं जिनसे हम करवा के समय पर इसको पकड़ सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे प्रोफेसर महाजन सर ने अभी बताए थे, अभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट हमारे लिए रहेगा KFT यूरिन रूटीन। ये दो यूरिन का जो टेस्ट होता है, ये दोनों में ही हम पकड़ पाएंगे, क्योंकि बाकी जो टेस्ट है वो इधर स्पेसिफिक टेस्ट है कि कुछ कुछ बीमारियों में कुछ कुछ लोगों को ही करना है, मगर इन जनरल जो स्क्रीनिंग टेस्ट बताते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये होता है कि दुनिया में बहुत सारे लोगों को, पेशेंट्स या जनरल पॉपुलेशन को कर सकते हैं, उसमें ये दो ही टेस्ट आएगा, साथ में अल्ट्रासाउंड भी हमें इम्पोर्टेंट रहेगा। और जिसको किडनी प्रॉब्लम है या एक तरीका का बीमारी है, उनको एक एक स्पेशल टेस्ट हम करवा पाएंगे, जैसा ऑटोइम्यून डिसीज है, पत्रिका बीमारी है, या नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक सिंड्रोम है जहाँ किडनी का स्पेसिफिक बीमारी है, उसके लिए स्पेशल टेस्ट, बायोप्सीज, बहुत सारा चीज़ों होता है। आरंभिक तौर पे आप करें, अब अल्ट्रासाउंड है या फिर KFT है जो खून की जांच होती है, कि पेशाब की जो जांच है मॉर्निंग में, जो आप रूटीन टेस्ट की बात करें, इन तीन चीज़ों से मोटा मोटा पता लग जाता है। फिर भी डॉक्टर साहब, कभी कभी ACR अभी हमारी रिपोर्ट में भी दिखाया है, GFR, ये टेस्ट का क्या पर्पज रहता है? जो ACR बताते हैं उसका पूरा होता है कि एल्बुमिन क्रिएटिन रेशियो होता है। इससे क्या पता लगाते हैं? इसका मतलब है कि जो पेशाब में एल्बुमिन और क्रिएटिन का रेशियो क्या है पता चलता है। तो ये है कि एल्बुमिन प्रोटीन का एक टाइप है जो पेशाब में पहले लीक हो जाता है, तो इसलिए प्रोटीन लीक होने के हम जो डिटेक्ट करते हैं उससे पहले ही एल्बुमिन डिटेक्ट हो जाता है, और ये डायबिटीज को और स्पेसिफिक है। तो इसलिए ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोटीन है उसके पहले एल्बुमिन लेवल अगर एलिवेटेड हो जाता है, हाँ। इस पर मैं आपसे फिर सवाल करूंगा डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें क्या है कि जो जो प्रोटीन अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो किस लेवल तक इसको चिंता का विषय माना जाता है, थोड़ा उस विषय में भी बता दें, क्योंकि प्रोटीन का बढ़ने को आमतौर पर लोगों में बातचीत चलती रहती है। ठीक, जो प्रोटीन का लेवल है नॉर्मल वाला तो लेस देन 150 मिलीग्राम से 150 से नीचे होना चाहिए मिलीग्राम में, जी शायद 500 के ऊपर है तो क्लिनिकली थोड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है, और उनको हमें और टेस्ट करने का ज़रूरत हो जाता है। एल्बुमिन क्रिएटिन रेशियो ले लेंगे तो 30 से नीचे होना चाहिए, 30 से 300 जो होता है 30 to 300 वो माइक्रो एल्बुमिनूरिया है, मतलब माइक्रो थोड़ा एल्बुमिनूरिया, एल्बुमिन लीक हो रहे हैं, और 300 के ऊपर उसको मैक्रो एल्बुमिनूरिया बताते हैं। और जो आप दूसरा पूछ रहे थे GFR, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, जो कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली, जो क्रिएटिनिन है उसे एक फॉर्मूला से कैलकुलेट कर देते हैं, नॉर्मल लोगों को 90 से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, ठीक है डॉक्टर, हमारे कॉलर फिर से जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ जी मैडम नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हेलो जी मैडम, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते, नमस्कार मैडम। हेलो, आपकी आवाज हमें साफ नहीं सुनाई दे रही है, आप अपना सवाल पूछिए। अगर TV आपने खोला है तो वॉल्यूम बंद कर लीजिए। हेलो, हेलो, हाँ हाँ जी, अब सवाल पूछिए मैडम। करे तो तकलीफ होती है, पथरी, मुझे डायबिटीज है। अच्छा, हाँ। डायबिटीज, ठीक है, सवाल क्या है आपका? वही पानी ज्यादा पिए तो पेशाब में तकलीफ होती है, ऐसा क्यों होता? आपकी आवाज बहुत हल्की है। अच्छा डॉक्टर महाजन, आपका रुक करना चाहेंगे, आप पानी ज्यादा पीने से इनको पेशाब में तकलीफ होती है, पथरी है ऑलरेडी, पथरी ऑलरेडी है इनके। मैडम आप लाइन पे बने रहिए, हो सकता है डॉक्टर साहब आपसे कुछ सवाल पूछें। अच्छा, आपको पथरी कब से पता है? मैडम कब से है आपको पथरी की प्रॉब्लम?
अभी एक आठ दिन हुआ। देखिए हाल फिलहाल में ही पता। चलिए, पथरी का मोटा मोटा कारण इसलिए होता है जब पेशाब में जो पदार्थ हैं जो पथरी बना सकते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो ये उन सिचुएशंस या उन परिस्थितियों में आता है जब आपका जो यूरिन है वो ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाए, तो इसलिए गाढ़ा हो जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप पानी खूब पीजिए ताकि पेशाब इतना गाढ़ा ही ना हो कि पथरी बन पाए। तो पथरी के चलते हम ज़रूर एडवाइस करते हैं कि पानी ज़्यादा पीजिए और नमक कम रखिए। अगर हम नमक कम रखेंगे और पानी ज़्यादा पियेंगे तो पथरी का बनना भी कम हो जाएगा, और अगर छोटी पथरी है तो हो सकता है बहाव में वो भी बाहर निकल जाए। पेशाब ज़्यादा आना पानी पीने के बाद हमारा टारगेट है, हम चाहते यही है कि पेशाब ज़्यादा गाढ़ा ना हो, तो इसलिए आपको बार बार पेशाब जाना पड़े। दिन में तो शायद इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए, रात को अगर दिक्कत होती है तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि 7-8 बजे तक खूब पानी पीजिए, उसके बाद पानी ना पीजिए ताकि आपको रात को बार बार यूरिन के लिए या पेशाब के लिए ना उठना पड़े। बिल्कुल आशा है आपको अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं उसका पालन कीजिए और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर रमाकांत, आप एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं, तो अभी हम यहाँ पे बात करें किडनी स्टोन्स की ही अगर हम बात करते हैं, तो आयुर्वेदिक में ज़्यादातर आहार विहार का रहता है, तो आप खाने के ऊपर सही खाने पे आप जोर देते हैं, तो अगर हम किसी को अगर पथरी है या फिर अगर बीपी और डायबिटीज़ भी है, बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किडनी में प्रॉब्लम होने का, तो आप एज एन आयुर्वेदिक एक्सपर्ट क्या देना चाहते हैं कि किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें अपने डाइट में नहीं लेनी चाहिए कि स्टोन्स भी ना इंक्रीज हो, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारे डायबिटीज़ सब कंट्रोल में रहे। देखिए इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें एक जैसी ही हैं, जो आज मॉडर्न साइंस बताती है वैसा ही, बस खाली जो है थोड़ा सा जो हम लोग खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें थोड़ा सा जो एक मॉडर्न जो डाइटेटिक्स हैं और जो आयुर्वेद के जो डाइटेटिक्स हैं उनमें थोड़ा सा एक कुछ अंतर है। जी अब जब हम लोग है जैसे मान लीजिए किडनी के जो भी पेशेंट आते हैं उनको हम लोग ये बोलते हैं कि आप जो आराम से पच जाए खाना, अच्छा, ऐसा खाइए। okay. ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए कोई भी हैवी फूड उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। okay. जैसे सामान्य खाना क्या है, जैसे मान लीजिए लौकी, तुरई, टिंडा, परवल, इस तरीके की जो सब्जियाँ हैं, इसी तरह से अगर मान लीजिए दालें हैं तो मूंग और मसूर की दाल है वो भी बिना छिलके वाली। okay. और उसके अलावा जो है आप जैसे दूध भी ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा अगर काउ मिल्क हो तो बेस्ट है। okay. मलाई उसका निकाल दें, और इस तरह से मतलब छोटे छोटे मॉडिफिकेशन हम लोग उनको करवाते हैं। दूसरे एक जो एक्सरसाइज की बात है, जो विहार की बात है, उसमें भी हम लोग एडवाइस करते हैं। जैसे आज का जो एक जिम वाला जो ट्रेंड है तो हम लोग थोड़ा सा उसको डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं कि आप नॉर्मल एक तरीके से जैसे आप वॉक कर लीजिए, थोड़ा तेज़ कदमों से चल लीजिए और उतनी ही एक्सरसाइज करिए जब आपके माथे पे पसीना आने लगे, आपकी सांस जो है थोड़ा सा मुंह से चलने लग जाए, या आपको लगता है कि जब सांस मुंह से लेने की ज़रूरत है उतने पे ही एक्सरसाइज करिए और वहाँ पर अपने आप को एक्सर्शन करने को मना करते हैं। एक्सर्शंस को हम मना करते हैं, मतलब जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना ही एक्सरसाइज आप करें, उससे ज़्यादा कोशिश ना करें करने की। और फिर जो तीसरा पार्ट आता है और संभवतः वो सबसे अंतिम पार्ट है औषधि वाला, तो औषधि तो एक निश्चित रूप से एक जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि सभी EGFR हो या ACR हो सारे जो है आप अपने इन्वेस्टिगेशंस करा लें, कराने के बाद आप आते हैं तो हम लोग उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है कुछ। और अक्सर ऐसा होता है कि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनमें से 99% से ज़्यादा लोग जो है वो ऑलरेडी एलोपैथिक दवाएँ ले रहे होते हैं, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं, जो मिनिमम एक सप्लीमेंट हो सकता है जो कि बेहतरी के लिए, और अगर हम मान लीजिए यूरिया क्रिएटिनिन लेवल को थोड़ा मॉडिफाई कर पाए या कुछ नहीं है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर कर पाए पेशेंट की, तो भी हम अपने आप को उसमें मानते हैं तो कि एक एडिशनल वैल्यू है। मान सकते हैं कि एलोपैथी के साथ साथ हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं और वो सेफ है, पैरेलली हम इलाज कर सकते हैं। कर सकते हैं, बस यह है कि उसमें एक क्वालिफाइड एक व्यक्ति के पास आप जाएं जिससे ऐसी दवाएं या ऐसे औषधियां ही चूज करें वो जिससे आपस में कोई ऐसा विरोध ना हो, इंटरेक्शन ना हो,
और साथ में अपनी मर्जी से किसी भी तरह की जो एलोपैथिक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसे रोकना नहीं रोकना है। नहीं और वो तो लगता है कि डॉक्टर साहब ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों एक्सपर्ट को पता होना चाहिए कि आप उसका उनका ट्रीटमेंट इलाज करा रहे हैं ताकि कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जो डायबिटीज और जो ब्लड प्रेशर है जो कि मोस्ट कॉमन कंडीशन है, यदि आप देखेंगे तो जो आयुर्वेद की जो औषधियां हैं उनसे माइल्ड टू मॉडरेट डायबिटीज और माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन यहाँ तक तो फर्क पड़ता है, लेकिन अगर एक बार जब ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जब अपने लेवल्स के बहुत हायर साइड में होते हैं तो ऐसी स्थिति में बेहतर यही है कि आप जो है एलोपैथिक जो मेडिसिन हैं जिनसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, डायबिटीज कंट्रोल होती है, उसको आप यूज करें साथ में और जो आयुर्वेद की जो दवाएं हैं उनको भी जो है आप किडनी के जो एक क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसे काम भी हुए हैं जिनमें कि किडनी पे रीजनरेशन वाली प्रॉपर्टी भी पाई गई है कुछ औषधियों में। आगे और बात करेंगे। डॉक्टर महाजन सर आपका रुख करना चाहेंगे, अगर हम किडनी डिजीजेस की स्टेजेस की बात करें तो सिर्फ स्टेजेस के बारे में बताएं कितनी स्टेजेस होती है इस बीमारी की। देखिए पांच स्टेजेस में किडनी डिजीज को जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो जब भी हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज की कर रहे हैं तो क्रॉनिक किडनी डिजीज की पांच स्टेजेस की गई है। पहली स्टेज तो वो मरीज हैं जो एट रिस्क है जिनको अभी कोई बीमारी नहीं है, जीएफआर 90 से ऊपर है, पेशाब में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो एट रिस्क है। तो जैसे मैंने बताया 60 साल से ऊपर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जिनकी फैमिली में किडनी डिजीज रही है, जिनको पहले कोई किडनी डिजीज रही है चाहे वो एक्यूट किडनी डिजीज ही रही हो, तो ये सारे के सारे आ जाते हैं स्टेज वन। स्टेज टू है जिसमें अभी जीएफआर नॉर्मल है बट किडनी की प्रॉब्लम हमें पता चल गई है। अच्छा। तो चाहे वो प्रोटीन लॉस की है, चाहे हमारी सिंगल किडनी है या दूसरी किडनी में कोई परेशानी है, तो किडनी के स्ट्रक्चर या फंक्शन में कोई प्रॉब्लम हमें पता है हालांकि हमारा जीएफआर ठीक है। ठीक है। तीसरी स्टेज आती है सीकेडी, स्टेज थ्री आती है जब जीएफआर जो है 60 से कम होना चालू हो जाए। अच्छा। तो 40 से बढ़ते हुए क्रम में है या घटते हुए क्रम? घटते हुए क्रम में। जैसे डॉक्टर अरविंद ने बताया कि 90-80 तक हम नॉर्मल जीएफआर मानते हैं, तो एक बार जीएफआर 60 से नीचे आ जाए तो जहाँ पे हम कहते हैं कि अब सिम्टम्स आने लग जाएंगे या अब इसकी परेशानियाँ हमें पता चलने लग जाएंगी, तो इस स्टेज पे हमें जीएफआर में देखना है कि किडनी की डिजीज को जितना हम धीरे कर पाए कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल कर पाए। डॉक्टर साहब मैं एक अपने कॉलर हमारे जुड़ चुके हैं उनका सवाल लेंगे फिर हम आपका रुख करना चाहेंगे। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो क्या आप हमें सुन पा रहे? हेलो हाँ सर हेलो हाँ जी नमस्कार हाँ अपना हलो? सवाल पूछिए। हेलो आप कनेक्टिविटी एरिया में आएंगे तो अगर मोबाइल से फोन कर रहे हैं तो कवरेज एरिया में आके बात करिए क्योंकि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहे थे कि उनको बार बार रात को पेशाब आती है तो उनको करना क्या चाहिए, क्या टेस्ट करवाने चाहिए इनको? इसमें एज सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी, अगर आयु के अगर हमें पता लग सके तो जनरल टर्म्स में ही अगर बता दें। क्योंकि मेल्स में यूजुअली 50 साल के बाद प्रोस्टेट या गुर्दे की दिक्कत बढ़ने लग जाती है जिसकी वजह से पेशाब की थैली पूरी खाली नहीं हो पाती, इसकी वजह से बार बार रात को उठना पड़ता है पेशाब के लिए, पेशाब की धार भी कम हो जाती है और पेशाब भी रुक के आता है, ऐसा नहीं कि एकदम आप जाएं और पेशाब करके वापस आए। अल्ट्रासाउंड की एक ऐसी जांच है जो बहुत आसानी से प्रोस्टेट का साइज भी बता सकती है और प्रोस्टेट की वजह से पेशाब की थैली में कोई रुकावट है या नहीं ये भी बता सकती है। तो एक अल्ट्रासाउंड करवा लें, उससे हमें पता चल जाएगा कि कहीं प्रोस्टेट में कोई परेशानी तो नहीं और फिर उसके हिसाब से आगे का उपचार किया जाए। प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से भी डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं ये दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल, और एज के साथ सबका प्रोस्टेट बढ़ना ही है, 50 साल के एजिंग प्रोसेस है। ये एजिंग प्रोसेस है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं जी, कोई एक अल्ट्रासाउंड करके पहले डायग्नोसिस बना लें बिल्कुल और फिर उसके हिसाब से इलाज कर सकते हैं। अभी आप हमें कुछ बता रहे थे उसको आप प्लीज पूरा कर। तो सीकेडी स्टेज थ्री वो है जब हमें सिम्टम्स आने चालू होते हैं, सीकेडी स्टेज फोर है जब किडनी का काम 15-30% ही रह जाए, ये वो स्टेज है जब हमें बहुत सारे साथ में सिम्टम्स के साथ साथ और दिक्कतें भी दिखने लग जाएंगी। सीकेडी स्टेज फाइव तब है जब जीएफआर या किडनी का काम 15% से कम रह जाए जी। इस स्टेज पे हमें तैयारी करनी पड़ती है आगे के क्रम की कि आगे हमने क्या करना है, ट्रांसप्लांट करना है तो डोनर देखना है उसके हिसाब से ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया पे चलना है, डायलिसिस करनी है तो डायलिसिस के लिए खून की डायलिसिस या पेट की डायलिसिस उसकी तैयारी करनी है। तो
क्रमशः हमें बीमारी के बारे में समझते रहना चाहिए, अपने बीमारी से जागरूक होकर जो सिम्टम्स आते हैं उनको ठीक रखना है, दवाइयां बराबर लेनी है जी। और अगर हम उस स्थिति में आगे जब किडनी 15% से कम काम कर रही है तब हमें आगे तैयारी करनी है कि हम डायलिसिस का रुख करना चाहेंगे कि ट्रांसप्लांट। बिल्कुल, जब एकदम कम हो जाए तो फिर डायलिसिस की नौबत आ ही जाती है, यही कहना चाह रहे डॉक्टर साहब। डॉक्टर अरुण, डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट दोनों में से अगर किसी की किडनी खराब हो चुकी, जितना साल वो जिंदा रहेंगे जितना साल किडनी काम करेगी वो भी ट्रांसप्लांट में ही ज्यादा है। तो क्या आसान है सभी के लिए ट्रांसप्लांट करवाना? नहीं, सबको नहीं होता है, इसलिए ज्यादातर लोगों के लिए आसान है। जो ट्रांसप्लांट होता है दो तरीका का है, एक तो लिविंग ट्रांसप्लांट, लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट, डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट, मतलब कोई रिश्तेदार दे रहे हैं लिविंग डोनर, या गुजरने के बाद जो किडनी मिलते हैं ब्रेन डेड वाला या कार्डियक डेड वाला के बाद, कैडेवर भी कहते हैं डॉक्टर साहब, कैडेवर, वो ये कैडेवर डोनेशन ही डिसीज डोनर बताते हैं। गुजरने के बाद नॉर्मली इंडिया में ब्रेन डेड ही ज्यादा लेते हैं, कार्डियक डेड का भी ले सकते हैं, वो अभी अभी थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ। कोई भी किडनी डोनेट कर सकता, लाइक ब्लड ग्रुप मैटर नहीं करता? जो हमारा लॉस में है रिश्तेदार करना पड़ेगा, जो फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री रिलेटिव्स होते हैं वो डोनेट कर सकते हैं। जो ब्लड ग्रुप का सवाल है, अच्छा है, पहले तो ब्लड ग्रुप का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत था, बट अभी का जो अच्छा काला इम्यूनोसप्रेशन मेडिकल साइंस एडवांसेस में ब्लड ग्रुप दूसरा भी डोनेट कर सकते हैं। उसके लिए पहले जो किडनी, किसको किडनी मिल रही है उनका खून को थोड़ा साफ करना पड़ेगा, जो एंटीबॉडीज होता है उसको निकालने का जरूरत पड़ सकता है, उसका मेजरमेंट करके उसको निकालने का जरूरत हो सकता है। बट ब्लड ग्रुप अलग है तो ऐसा नहीं कि ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन एक है कि पैड किडनी ट्रांसप्लांट है, जहाँ मान लीजिए कि हमारे पास दूसरा ब्लड ग्रुप का है और दूसरा पेशेंट भी वैसा ही है, तो वो दोनों का डोनर को एक्सचेंज हो सकता है, उसको पैड किडनी ट्रांसप्लांट बताते हैं। तो ब्लड ग्रुप सोचेंगे तो ये तीन ऑप्शन हमारे पास है। तो अगर ट्रांसप्लांटेशन किसी के लिए मुश्किल है, से इसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, तो अगर डायलिसिस के लिए कोई जाना चाहता है तो कितना लंबा पीरियड होता है डायलिसिस करवाने का, और उसकी अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो वो कितनी रहती है? जो डायलिसिस है वो दो तरीका का होता है, एक तो जो खून का डायलिसिस, हीमोडायलिसिस बताते हैं, जहाँ पेशेंट्स डायलिसिस सेंटर में जाना होगा, डायलिसिस सेंटर या हॉस्पिटल में जाकर हफ्ते में 2 या 3 बार 4 घंटे के लिए ब्लड जाकर साफ होकर आते हैं, उसको हीमोडायलिसिस करते हैं, जो हम ज़्यादातर देखते हैं। दूसरा तरीका का है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें पेट में एक पानी डालेंगे, स्पेशल पेरिटोनियल फ्लूइड होता है वो डालते हैं, 4 से 10 घंटे तक पेट में वो पानी रहता है और वो साफ थोड़ा होकर आता है। ये हर दिन करना होता है, हर दिन में 2-3 बार करना होता है। तो दोनों आप देखेंगे कि कुछ कुछ पेशेंट्स के लिए एक एक सेटअप बेटर रहेगा। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो बीमारी, जो किडनी डिसीज का बीमारी के कारण होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। जैसा डायबिटिक लोग रहेंगे जिसके लिए बाकी ऑर्गन्स का भी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहेगा, उनका थोड़ा आउटकम या लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ा कम हो सकता है, या जो कम उम्र का है अदरवाइज फिट है उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा रहता है। ओवरऑल आप देखेंगे तो 10 साल डायलिसिस में 50-60% लोग जिंदा रहते हैं। डॉक्टर अमरकांत, अगर हम आपका रुख करना चाहेंगे, डॉक्टर साहब अभी हमारी चर्चा में एक बात बड़ी सामने आई है कि हाई ब्लड प्रेशर और शुगर का बहुत बड़ा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, जो कि किडनी की डिजीज को एक तरह से पैदा करने में बहुत बड़ा इनका रोल है। अभी आपने एक बात कही थी कि माइल्ड से मॉडरेट कंडीशन में आयुर्वेदा का बड़ा रोल है, क्या रोल रहता है डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कंट्रोल करने में? देखिए, इसमें अभी जैसे मैंने बताया कि हमारी जो भी अप्रोच होती हैं वो होलिस्टिक टाइप की होती हैं, उसमें हम तीनों आहार विहार औषधि तीनों की बात करते हैं। तो कुछ हमारे यहाँ ये जो आहार और विहार की तो बात अब मैं साइड में इसलिए कर रहा हूँ कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बताई आपको, और जो औषधियाँ हैं कुछ हमारे यहाँ जिनमें कि एक ब्लड प्रेशर को कम करने लोअरिंग प्रॉपर्टीज़ उसमें मिलती हैं, इसी तरह से शुगर की लोअरिंग प्रॉपर्टीज़ वाली भी औषधियाँ मिलती हैं। तो जब आप कोई बॉर्डर लाइन डायबिटिक्स या बॉर्डर लाइन हाइपरटेंसी होते हैं, ऐसी स्थिति में जब हम लोग उसको अप्लाई करते हैं तो वो नॉर्मलसी की तरफ काफ़ी हद तक आ जाते हैं। तो आप कहना ये चाह रहे हैं अगर आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन किया जाए और जिनका बॉर्डर लाइन पे है, थोड़ा बड़ा हुआ है, एलिवेटेड है, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो या शुगर हो, वो वापस रिवर्स हो सकता है, बिल्कुल परमानेंट, बिल्कुल रिवर्स हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, तो उससे किडनी डिजीज से बचा जा सकता है इस तरीके से, निश्चित रूप से, अगर उसका कॉम्प्लिकेशन हम लोग बचा पाएंगे तो आगे फर्दर उसके डिजीज हो ना, जरूरत ही ना पड़े सीकेडी होने की या अपने तमाम ट्रांसप्लांट की, तो वो ज्यादा अच्छी नौबत रहेगी। इस बीच हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो
हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद कुछ हेलो, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। अच्छा, वही मैं आपसे डॉक्टर साहब कह रहा था कि जो इस तरह की दवाइयां हैं वो आसानी से मार्केट में उपलब्ध हैं जिससे हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकें और हमें किडनी डिजीज़ की तरफ बढ़ने की नौबत ही ना आए। बिल्कुल बिल्कुल, आसानी से उपलब्ध हैं और निश्चित रूप से जो है दवाओं का जो एक जो भी दवा आप लेते हैं वो एक प्रॉपर सलाह के साथ प्रॉपर जाँच के बाद ही लें। पहले पूरा पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद दवाएँ हम लोग डिसाइड करते हैं और उसको डिसाइड करने के बाद खाली दवाएं ही नहीं, कुछ हमारे यहाँ कुछ एक रिज ये प्योरीफिकेशन जिसको पंचकर्म बोलते हैं, बायो प्योरीफिकेशन, उस तरीके के भी कुछ प्रोसीजर्स हमारे यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में इस तरह के मरीज आते हैं तो वो इन सब चीज़ों से निजात पाके जा सकते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ इस तरीके के पेशेंट आते हैं। बस सबसे बड़ा जो हम लोगों का एक ड्रॉबैक है कि जो पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं वो 99% केसेस जो है वो CKD5 में आते हैं। ओके, लेट जी, तो ऐसी स्थिति में अब वो हम लोग अगर मान लीजिए क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अगर हम लोग बेटर कर पाते हैं किसी की, अगर कोई पेशेंट मात्र इतना ही कहता है कि डॉक्टर साहब हमारी जो वीकनेस थी वो बेहतर हो रही है, तो हम लोग समझते हैं कि चलो इससे भी कम से कम। डॉक्टर साहब यही आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हाई ब्लड प्रेशर और जो आपका डायबिटीज़ की दिक्कतें हैं अगर हम शुरुआती दौर पर अगर हम आयुर्वेद का भी सहारा लें तो ये रिवर्स किया जा सकता है और हमें किडनी की डिजीज़ की तरफ बढ़ने की नौबत ही ना आए, तो ये बेहतर है। बिल्कुल डॉक्टर महाजन, हार्ट और किडनी आपस में कितने कोरिलेटेड हैं, और अगर कोई पेशेंट हार्ट पेशेंट है और दवाइयां ले रहा है हार्ट की तो क्या उसके किडनी पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है उन दवाइयों से? देखिए, हार्ट और किडनी का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। किडनी का जैसे हमने अपने शुरू के इंट्रोडक्शन में ही बताया कि किडनी का एक काम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, तो अगर किडनी ख़राब होती है तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है जिससे हार्ट के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ता है, हार्ट का बड़ा होना जिसे हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। माफी चाहूंगी, मैं यहाँ पे आपको 2 मिनट रोकना चाहूंगी, कॉलर काफी देर से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, कुछ टेक्निकल आई थिंक इशू है, आज कॉल में कुछ दिक्कत है। तो जैसे मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर एक ऐसा माध्यम है जो लंबे समय से हार्ट को इफेक्ट करता है, और एक बार वो ब्लड प्रेशर एस्टेब्लिश हो जाए वही ब्लड प्रेशर जाके किडनी को दोबारा खराब करता है। ओके, दूसरा, जिन पेशेंट्स को किडनी डिजीज है उनको हार्ट डिजीज होने का खतरा 5 गुना ज्यादा है। अच्छा, तो जैसे अगर आज हमने CKD3 में कोई पेशेंट लिया तो ऐसा नहीं कि वो डायलिसिस तक जाएगा, डायलिसिस तक पहुंचने की जर्नी में उससे पहले चांसेस ये हैं कि उसको हार्ट की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, 5 गुना चांस ज्यादा उसके हैं। तो किडनी डिजीज हार्ट डिजीज में अपने आप में बहुत तेजी से बढ़ाता है, तो हार्ट अटैक होना, हार्ट का फेलियर होना, ये सब प्रॉब्लम्स किडनी डिजीज के साथ ज्यादा। अगर किसी को किडनी की डिजीज है, लेकिन आमतौर पे ये भी कहा जाता है जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं डॉक्टर साहब उनको भी किडनी की डिजीज होने का खतरा। मैंने यही आपको बताया कि कनेक्शन है, लंबी देर से ब्लड प्रेशर आगे जाके किडनी खराब कर देगा। तो ब्लड प्रेशर के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे किसी को हम पहले एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते थे जिसका कोई कारण नहीं है, अगर ऐसी ही ब्लड प्रेशर बढ़ता रहे और उसका इलाज ना हो वो लंबी देर से किडनी खराब कर देगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम है, अगर हार्ट का काम एकदम कम हो जाए तो वो भी किडनी को जाके खराब कर देता है। बड़ा गहरा संबंध है, इसलिए हार्ट का काम कम होना किडनी के लिए नुकसानदायक है और किडनी का कम होना हार्ट के लिए नुकसानदायक है। तो मतलब ये माने कि जो हार्ट पेशेंट है वो अपनी किडनी का ख्याल रखे और जो किडनी पेशेंट है वो अपने हार्ट का भी ख्याल रखे। चांसेस ये है किसी को अगर आज हार्ट की प्रॉब्लम है और अगर वो किडनी का टेस्ट कराए तो 30-40% चांस है कि उसको किडनी की कोई ना कोई परेशानी निकले। कॉलर हमारे साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है हमारी आज लाइन में लाइन में सर सवाल ये रहेगा कि किडनी में जो सिस्ट होते हैं अगर किसी को किडनी में सिस्ट है तो क्या किया जाए? देखिए, किडनी में सिस्ट जो है 2 किस्म के तरह रहते हैं। आजकल अल्ट्रासाउंड की वाइड स्प्रेड बहुत जगह जगह मौजूद है, अल्ट्रासाउंड तो बड़ी आसानी से परेशानी पकड़ी जाती है। कुछ तो सिस्ट जो है वो उम्र के साथ आने हैं। अच्छा, एक बार आप 50 साल से ऊपर हैं तो किडनी में एक सिस्ट होना नॉर्मल सी बात है। ओके, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहेगी आपके नंबर ऑफ सिस्ट इन द किडनी बढ़ सकते हैं। दूसरा, सिस्ट की परेशानी जो 2-3% लोगों में हो सकती है,
वो ऐसा है कि सिस्ट जो है वो खानदानी है, कुछ ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सिस्ट होते हैं, और वो सिस्ट किडनी का काम आगे जाके कम कर देते हैं। तो इसे हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कहते हैं। ये यंगर एज में आ जाता है, जैसे मैंने बताया कि अगर जो एज रिलेटेड सिस्ट है वो 50 साल की उम्र के बाद आते हैं, जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज सिस्ट है वो 20 से 30 साल में आ जाते हैं, और वो बहुत मात्रा में आते हैं, और समय के साथ साथ उनकी मात्रा बनती रहती है, बढ़ती रहती है, और किडनी का काम कम हो जाता है। तो इसीलिए हमने बताया कि परिवार में अगर किसी को किडनी की परेशानी है, तो कुछ परेशानियां ऐसी हैं जो परिवार में चलती हैं किडनी की, तो उसमें से एक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज फैमिलीज में रन फैमिलीज में। डॉक्टर अरुण, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, ओवर द काउंटर, क्योंकि हमारे देश में क्या है कि बिना पर्चे की भी दवाइयां आसानी से मिल जाती हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करें तो आसानी से कोई भी दवाई लीजिए, आपको आप कुछ तो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, क्योंकि फार्मासिस्ट के पास जाके शॉप से दवाई ले लेते हैं। इनका क्या रोल है किडनी को ख़राब करने में? डॉक्टर साहब, यहीं पर एक सवाल मैं और भी जोड़ना चाहूँगा कि ऑस्टियोपोरोसिस के जो मरीज़ होते हैं, इनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती है, कैल्शियम इनटेक उनका बहुत होता है, डॉक्टर साहब कैल्शियम से भी किडनी स्टोन बनते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस के जो मरीज़ हैं उनको क्या करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवर द काउंटर ड्रग्स जो इंडिया में आप देखेंगे तो बहुत आसान है कुछ भी दवाइयों मिलने में फार्मेसी में, कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज में। इसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लमेटिक दवाई रहता है पेन किलर्स, क्योंकि सबको तो दर्द कभी ना कभी तो हो जाता है, एंड पेन किलर्स आसान से खा लेते हैं। डॉक्टर साहब, पेन किलर को प्लेन किलर्स भी बोला जाता है। सबका उतना प्लेन किलर नहीं रहता है, बट जिसको थोड़ा ज़्यादा पेन किलर्स खा लेते हैं और उसका थोड़ा प्रीडिस्पोजिशन है, मतलब उनको किडनी डिजीज होने का भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जब वो लोग पेन किलर्स खा लेते हैं तो किडनी का बीमारी थोड़ा जल्दी भी आ जाता है, और जिसको ऑलरेडी बीमारी है जल्दी बढ़ जाएगा। सो वही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है। एंड जो ऑलरेडी इलाज में है किडनी बीमारी का, डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का, बहुत सारा गोलियों हैं जो इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। कैल्शियम वाला डॉक्टर, जो ऑस्टियोपोरोसिस का सवाल है, कैल्शियम हर दिन कुछ तो खाना पड़ता है, मतलब एक एक पेशेंट को अलग है। ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट का एक है, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, वो सबके लिए इंडिकेटेड होते हैं। एंड कैल्शियम लेने से ऐसा नहीं कि किडनी में जाकर डिपॉजिट होगा, ये भी कुछ लोगों जिसको किडनी में एक्सक्रीशन कैल्शियम का अलग होता है, सिर्फ उन्हीं को स्टोन बनता है। अच्छा। तो इसलिए तो सबको कैल्शियम मना नहीं है, बट उसका लेवल तो होता है कि नॉर्मल लेवल जितना है उसके आसपास ही खाना पड़ेगा। खून की जाँच से पता लग सकता है कि आपको नॉर्मल लेवल कितना है कैल्शियम लेवल। ऑस्टियोपोरोसिस में पता नहीं चलेगा, क्योंकि नॉर्मली ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम नॉर्मली रहता है। अच्छा। जो हम कैल्शियम खाते हैं नॉर्मली 500 से 1000 मिलीग्राम के ऊपर नहीं खाना चाहिए दिन में, उसके ऊपर जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड जिसको ऑलरेडी पथरी है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्टोन्स है, और उनको स्टोन्स का भी बहुत टाइप्स है, उसमें कैल्शियम स्टोन्स का टाइप रहेगा, थोड़ा सोचना पड़ता है, बट नॉर्मली कैल्शियम गोली खाने से नुकसान नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर, यहीं पे अपना एक मैसेज भी ऐड कर दिए, लगभग हमारे प्रोग्राम का समय समाप्त हो चुका है, जो आप बताना चाहें अवेयरनेस के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि जिसी को भी डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, आपका किडनी का टेस्ट ज़रूर कर लीजिए, और कभी भी थोड़ा भी आपको प्रोटीन लीक वो सब पता चला उसका मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये करेंगे तो आपका किडनी प्रॉब्लम ज़रूर बढ़ेगा नहीं, और पहले पकड़ लेंगे तो इलाज अच्छी तरफ हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर महाजन, आपका मैसेज। बिल्कुल, किडनी की बीमारी को लेकर जागरूक रहिए, अपना टेस्ट कराइए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिसके बारे में अभी बात चल रही थी, किसी तरह की अनसुपरवाइज्ड अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ना लीजिए, चाहे वो किसी भी प्रणाली की क्यों ना हो। एसिडिटी की दवाई है वो भी किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छा। कई तरह की ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं जिसमें हैवी मेटल्स रहते हैं, वो भी किडनी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो किसी भी प्रणाली की दवाई बिना विशेषज्ञ से बात किए ना लीजिए। बिल्कुल साफ संदेश है कि किसी भी पैथी की क्यों ना हो, जब तक जरूरत ना हो तब तक दवाई लेने की जरूरत नहीं। यही पे डॉक्टर महाजन, मैं एक और भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को, बिकॉज ये वर्ल्ड किडनी डे है आज, और थीम जिसमें एक हमारा ये भी है कि किडनी डोनर और ट्रांसप्लांटेशन, तो मैं चाहूंगी कि आप उस पर भी लोगों पर जो है थोड़ा सा उन्हें अपने मैसेज के जरिए उन्हें अवेयर कीजिए कि किडनी डोनेट करना कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे डॉक्टर अरुण ने पहले भी बताया, दो किस्म के किडनी डोनेशन है। एक तो ये है जो अपने रिश्तेदार या अपने प्रियजन के लिए आप दे रहे हैं, उसमें टेस्ट कर किए जाते हैं, पूरी तरह से आपको जांच की जाती है, और अगर आप फिट हैं तभी आपसे किडनी ली जाती है। एक मरीज़ ठीक करने के लिए कोई डॉक्टर दो मरीज़ नहीं बनाएगा। किडनी देने के बाद आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जिसकी वजह से किडनी की आपको परेशानी रहे, और आप बिल्कुल अपना जीवन सकुशल जी सकते हैं। हमारे डोनर सालों साल बिल्कुल ठीक रहे हैं,
और अपने दोस्तों जितना ही जिए हैं। दूसरा जो बात मैं खास किस्म कहना चाहता हूँ, हमारे ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट कम है और ज़्यादा है और डोनर्स बहुत कम है, इसलिए जन चेतना होनी चाहिए, हर एक में जागरूकता होनी चाहिए कि हमें अपने ऑर्गन्स यहीं पे देने हैं। तो जब भी आपकी ऐसी कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो आपके घर में, तो प्लीज़ प्लीज़ अपने, अगर किसी के हम ऑर्गन्स डोनेट कर सकें तो एक आदमी अगर मान जाए तो कम से कम 6 लोगों की जान बच सकती है। लंग मिल सकती है, लीवर मिल सकता है, हार्ट मिल सकता है, 2 किडनीज मिल सकती हैं, आंखें तो साथ में मिलती ही हैं। तो प्लीज़ ऑर्गन डोनेशन ब्रेन डेथ के बाद एक बहुत वाइटल पार्ट है, बहुत ज़रूरी सूचना है जो हर एक को मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर रमाकांत आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं भी लगभग यही बातें मैं भी कहना चाहता हूँ कि यदि आपको किसी भी तरह की जो एक किडनी से संबंधित कोई बीमारी अगर आपको महसूस होती है, अपने शरीर में कोई परिवर्तन महसूस होता है, तो आप पहले आएँ, लाभ उठाएँ और एक विशेषज्ञ को दिखाएँ, मेरा यही मैसेज है। थैंक यू सो मच। आप सभी ने बहुत अच्छे से हमें जो भी हिदायतें दी, एक बार हम अपने व्यूअर्स के साथ फिर से शेयर कर लेते हैं। तो डायबिटिक या हाइपरटेंशन के जो टेस्ट हैं वो ज़रूर हमें करवाने चाहिए, साथ ही साथ जो लोग इससे ऑलरेडी जूझ रहे हैं उन्हें अपनी किडनी के टेस्ट भी जो है वो करवाते रहने चाहिए। किडनी की बीमारी को लेकर जागरूक रहिए, कोई भी मेडिकेशन जो है बिना किसी डॉक्टर की सलाह के नहीं लीजिए, और साथ ही कोई भी चेंजेस अगर आपको अपनी बॉडी में नज़र आते हैं तो तुरंत अपने एक्सपर्ट के पास जाइए और सही इलाज कराइए। और लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे कि डॉक्टर महाजन ने कहा कि ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत ज़्यादा है, डोनर कम है। अगर आप अपने शरीर का, अपने ऑर्गन्स अपने शरीर के अगर डोनेट करते हैं तो आप कितने लोगों की जान बचा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच आप सभी का आज अपने वर्ल्ड किडनी डे पे करने के लिए। जी, हमें पूरी उम्मीद है नाजरीन कि आज की हमारी पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है hellodoctordddurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं, हमारा YouTube चैनल है डीडी उर्दू। जी, और अब अपनी मेज़बान रतिका मेहरा और आदित्य कुमार को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ, आदाब। हमारे गुर्दों का अहम काम जिस्म से टॉक्सिंस को साफ करना है। गुर्दों को खराब करने वाले मर्ज में शुगर सर फहरिस्त है। गुर्दों को सेहतमंद रखने के लिए मुनासिब मकदार में पानी पीना चाहिए। अच्छी गजा का इस्तेमाल, सिगरेट और शराब नोशी से परहेज भी जरूरी है। गुर्दे सही तरह से काम कर रहे हैं, इसके लिए वक्फे वक्फे पर टेस्ट कराना चाहिए। इसके लिए पेशाब का ACR टेस्ट और खून का GFR टेस्ट किया जा सकता है।